चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। गिवन है 7 to the power 2x plus 1 इंटू 8 to the power x minus 1 by 3 इक्वल्स 812। ये गिवन है, हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जी गिवन इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लेंगे। 2 to the power of 2x plus 1 इंटू 8 to the power of x minus 1 by 3 इज इक्वल टू 812। यहाँ पर 7 to the power of 2x plus 1 और 8 to the power of x minus 1 by 3 ये दोनों में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट रूल यूज कर दीजिए। इधर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल a to the power of m plus n अगर रहा तो a to the power of m बनता है इंटू मल्टीप्लीकेशन a to the power of n बनता है। तो यहाँ पर 2x plus 1 है तो a to the power of m plus n के जैसा ये, अगर ये इंडिविजुअल लिख लिया है उसके हिसाब से तो 7 to the power of 2x into 7 to the power of a1 बनता है इंटू a to the power of x into a to the power of minus 1 by 3 बनता है। ये दिस इक्वल्स 812। अभी यहाँ पर 7 to the power of 2x है, 7 to the power of 2x को हम 7 to the power of 2 whole to the power of x लिख सकते हैं। तभी ये क्या बनता है, 7 to the power of 2x ही बनता है। तो ये 7 to the power of 2 को मतलब 49 बनता है, ये इक्वल्स 49 to the power of x बनेगा, यानी 7 to the power of 2x इज इक्वल्स टू 49 to the power of x। तो यहाँ पर पावर यूज हो जाएगा a to the power of m whole to the power of n अगर रहा तो a to the power of m into n बनता है। ये पावर यहाँ पर यूज़ किया तो ये 7 to the power of 2x इज 49 to the power of x बनेगा। तो यहाँ पर 49 to the power of x इंटू 7 to the power of 1 मीन्स 7 ही समझ लो इंटू 8 to the power of x एज यूजल और 1 divided by 8 to the power of ये -1/3 नीचे आया तो +1/3 बनेगा। जैसे -a to the power of -m अगर रहा तो 1 divided by a to the power of m बनते। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने के बाद a to the power of -1/3 क्या बनता है, 1 divided by a to the power of +1/3 बनते। दिस इक्वल्स 812। यहाँ पर 49 to the power of x 8 to the power of x है, ये कंबाइन कीजिए तो जोड़ी बना लीजिए उसको, एक्स इंटू 8 to the power of x और इंटू 7 एज यूजल इंटू 1 divided by 8 to the power of 1/3। इसे देखिए 8 to the power of 1/3 क्या बनते हैं, 8 मीन्स 2 to the power of 3 होते हैं और 1/3 एज यूजल 2 to the power of 3 इंटू 1/3 ये दोनों कट हो गया तो इक्वल्स 2 बनता है। 2 to the power of 1 मीन्स 2, तो 8 to the power of 1/3 इक्वल्स 2 ओनली लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स 812 एज वेल। अभी यहाँ पर इन दोनों में क्या कर दो, a to the power of x इंटू b to the power of x अगर रहा और एक आइडेंटिटी a into b whole to the power of x हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 49 into 8 to the power x लिख सकते हैं हम। इसे 7 divided by 2 इसको लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स 812 एज वेल। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 divided by 2 इधर यहाँ पर है तो इसे अगर 7 divided by 2 अगर निकालना है तो हम दोनों तरफ क्या करना, 2 divided by 7 से मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर भी इधर भी 2 divided by 7। तभी ये 2 कैंसिल होते हैं, 7 कैंसिल होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। यहाँ पर क्या बनता है, 49 into 8 ये बनेगा। ये अगर यूज किया ये आइडेंटिटी, 49 into 8 कितना होता है, 392 बनते हैं, 392 to the power of x इंटू ये तो 1 रहे, 1 लिखे तो भी चलेगा नहीं लिखे तो चलेगा लेकिन लिख लो 1/1/1। दिस इक्वल्स यहाँ पर क्या बनते हैं, देखो ये क्या बनते हैं, 7 divided by 7 1 7 7 1 7 1 7 1 7 4 7 6 42 होते हैं। 116 into 2 कितना बताए, 2 6 12 कैरी 1, 2 1 2 कैरी 1, 3 2 1 2 232 बनते हैं। यहाँ पर ये हम सिंप्लीफाई किया के बाद 232 बनते हैं।
ठीक है, ये क्या बन रहे हैं, 392 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 232 बनता है। तो यहाँ पर टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तब क्या बनते हैं, लॉग टाइम्स 392 टू द पावर x इज इक्वल्स टू लॉग टाइम्स 232, ठीक है। अभी लॉग का जो पावर रूल है वो, अगर ये क्या है लॉग का पावर रूल, लॉग m टू द बेस n टू द पावर n अगर रहा तो n टाइम्स लॉग m है, ये लॉग का पावर रूल है। ये पावर रूल यहाँ पर यूज़ करने के बाद वो x फ्रंट में आ जाएगा, तो x इंटू लॉग 392 इज इक्वल्स टू ए लॉग 232 या चल। अभी हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये लॉग 392 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, इसे हम दोनों तरफ लॉग 392 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया इसे, तो ये क्या बनता है, हमें लॉग ये दोनों कट हो जाएगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा, x इक्वल्स लॉग टाइम्स 232 डिवाइडेड बाई लॉग टाइम्स 392, और इसे हम लॉग 232 टू द बेस 392 भी बोल सकते हैं, यानी x इक्वल्स लॉग टाइम्स 232 टू द बेस 392, ये भी आंसर लॉगरिथम में आंसर ये बोल सकते हैं। ये भी लिखे तो भी चलेगा, ये लिखे तो भी चलेगा। अगर डेसिमल में चाहिए तो x इक्वल्स 232, लॉग 232 चाहिए हमें, लॉग 232 का वैल्यू चाहिए और लॉग 392 का वैल्यू चाहिए, तो क्या बनते हैं, नियरली इक्वल्स लॉग 232, नियरली इक्वल्स और लॉग 392 नियरली इक्वल्स, क्या बनते हैं इसका वैल्यू, लॉग 32 मीन्स 2.3654 और लॉग 392 नियरली इक्वल्स है, एग्जैक्ट नहीं रहता है, 2.5932। तो हम इधर उनका वैल्यू अगर पुट कर लिया, 2.3654 डिवाइडेड बाय 2.5932, ये एग्जैक्टली नहीं नियरली, दिस इक्वल्स अगर वो एक में एक अगर डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 0.9121 मिलेगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स 0.91, टू डिजिट्स में अगर हम रख लिया वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.91, ये फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।